बोध के साथे ब्याही जो भरतपुरी अंदर सन 77 की बेला वो भी तो 25 जुलाई उषा जब बनी सुहागन हाथे मेहंदी रचवाई संगम का सपना लेकर ससुराल में जब वो आई दईजा दहेज शक्ति भर इकलौती बेटी पाई। अरे लेकिन सबसे बड़ा मुर्रो लेकिन सब सपना बुखार हुई जून ससुर कदी नवाया महेंद्र बाबू पढ़ल लिखल लड़का खोज के डॉक्टर सुबोध भरतपुर निवासी के साथ बेटी की शादी किए लेकिन लड़की के दान दहेज शक्ति अनुसार दे के विदा के देखो लड़की जब ससुराल पहुंचल ससुराल में छोटा छोटा लड़का सास ननद ससुर सब ताना देवे लगे एकर बाप इतना दलिद्र निकल के कुछ देवे ना कैल ए भैया लेकिन गाना का भाव है उषा के सास दर्ज हो कितारी फुती निकली है दिल से आई है लाभ पा बन के कवाली शिरडी ज्यादा दहेज न बहुवर ले आई पैसे की दुनिया पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदा पैसे की दुनिया पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदा पैसे की दुनिया पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदा। अरे एक दिन दूल्हा डॉक्टर कहे उषा से आकर व्यर्थ तेरी पढ़ाई सावली सूरत पाई हुआ मेरे संग धोखा मिलाना दहेज चोखा। एक रोज लड़की डॉक्टर साहब से कहे मेरे बाप ने बीए पास कराया है उनसे जो नहीं बना वो मैं कहे नौकरी करके आपकी पूर्ति कर दूंगी लेकिन ठोकर मत दीजिए। लेकिन तो डॉक्टर चले करके ना फुरत फूलों के बदले वो काट पाई पैसे की पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदाई पैसे की दुनिया पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदाई पैसे की दुनिया पैसे का खेला पैसे पर नाचे सारी खुदाई। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ज्यादा जवान मत चला तेरे बाप से नहीं बना तू क्या पूरा करेगी एक काम करना कि जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक अपनी सांवली सूरत मत दिखलाना वरना जिस दिन तेरी शक्ल दिखला जाएगी जान ले लूंगा। लड़की छुप छुप के घर में रहने लगी डॉक्टर साहब जब तक घर में रहे तब तक लड़की सूरत नहीं दिखलाती है अपनी लेकिन भैया बेटी का जीवन नरक हो जाता है गाने का भाव है। हाँ अरे बेटी ससुरवा में
बेटी ससुरवा में अरे झंखा करम पर आंसू झरी झरी जो बेटी ससुरवा में तब फिर नहीं हर में आई चार दिन है बिताई तब फिर नहीं हर में आई चार दिन है बिताई अरे सूरत थी कुमिलाई लड़की ससुराल से नैहर आती है तो सूरत थी कुमिलाई तब भेदा पूछे भौजाई सूरत थी कुमिलाई तब भेदा पूछे भौजाई सूरत थी कुमिलाई हाँ अरे भाभी के बदिया में रुवनी उषा हाँ ए भैया भौजाई पूछे कि उषा जब से तू ससुराल से आई है न कुछ खाई है और न कुछ पी है क्या बात है तेरा चेहरा उदास है अरे भाभी के गोदिया में रोवन उसल था हाल सकल बतलाओ बेटी ससुरवा में दहेज कारण मेहना हमके बेटी ससुरवा में के कहती है कि भाभी मेरे ससुराल वाले रात दिन मेरे माँ बाप को गाली देते हैं बर्दाश्त के बाहर जाता है हमें कुछ कहते तो मैं सह लेती लेकिन अपने माँ बाप की बुराई कैसे बर्दाश्त करूं भाभी कहती है कि उषा तेरे पति क्या कहते हैं कह उनके दोहरा घाटा लग गया परिवार वालों के सिर्फ दौलत कमी पड़ल हो दहेज के हमारे पति दोहरा घाटा लग गया हम के उनके हमार सूरत पसंद नहीं बा पैसा भी कम मिलल और सूरत भी पसंद नहीं हो दोनों तरफ से उन्हें घाटा लग गया बा लेकिन कहते कहते लड़की की आंख में आंसू भर जाते हैं कैसे कहती रो रो के भाभी से तब जाओ कि नथनिया जो डाली गजब हुई गवा कहती है कि वे भी दहेज की बात करते हमें सावली कह के ताना भरते गवनवा की डोली जहर हो गई जहर हो गई गवनों की डोली जहर हो गई गवनों की डोली जहर हो गई गवनों की डोली जहर हो गई ए भैया भाभी कहती कि रो मत समझाती है आंसू पोछ ले भाभी कही सावली हो तो क्या है धब्बा तो यूं चाँद में भी लगा है अच्छी तरह जब वो पहचान लेंगे कसम है कि तुमको बहुत प्यार देंगे रो मत तेरे पति ने ठीक से तुम्हें देखा नहीं होगा
जिस दिन देखेंगे उस दिन प्यार करेंगे। लेके लड़की कहती है कि दहे जावा की बोली जहर हो गई, जहर हो गई रे, जहर हो गई गवनों की डोली। आठवें दिन डॉक्टर सुबह फिर विदा कराने आए, जैसे पतझड़ की बगिया में नव वसंत लहराए। आठवें दिन डॉक्टर साहब विदाई के लिए पहुंच जाते हैं। भाभी कहती कि उषा देख, मैं कहती थी ना एक दिन तेरे पति आएंगे, देखो आ गए, खुद बुलाने के लिए स्वयं आए हुए। लड़की के दिल में एक आशा हो जाती है, लेकिन भाव है गाने का टेरी में, अरे सबेरा फिर से जीवन में होई था। यमक है अलंकार कैसे कि लड़की का नाम उषा, लेकिन गाने का भाव है कि उषा भरी लालिमा भागेगा अधेरा। सबेरा फिर से जीवन में हुई, उषा की भाभी डॉक्टर को अकेले में जा समझाने लगी है, है सावली उषा फिर भी है सुंदर, उसे प्यार दीजिए बताने लगी है। उषा की भौजाई डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब ननदोई तनी एक बात सुन ला, कहन की जोन कहे को तुम कहदा दिल खोल के, कहत की तनी अकेले में आवा तो कही। भैया सोचलन की कौन मजाक करी, बड़ा खुशी से अकेले में अलन तो कह रहा केरे बाबू पढ़ल लिखल आदमी वो समझावे लायक नहीं हुआ, एक बात कब कि मालिक है ये क्यामा लगाया, ये काला या गोरा उसी ने बनाया। कहो सावली का गुजारा न होगा, सभी फूल तो गुल हजारा न होगा, एक ही ननद प्यार हमने किया है, शक्ति अनुसार दहेज दिया है, हटा दो दहेज की जंजीर बाबू, समारो मोहब्बत की तस्वीर बाबू, नई राह चलिए जमाना नया है, जवानों के अब तो तराना नया है, तभी मेरे भारत का उपकार होगा, गरीबों का संकट से उद्धार होगा। सभी ठीक है डॉक्टर मुस्कुराया, विदाई वो उषा के उस दम कराया। आप जैसे पढ़ लिखल आदमी अगर ऐसे व्यवहार करें समाज में बिटियन के साथ तो कैसे दुनिया चली, थोड़ा समझदारी से काम ला। डॉक्टर साहब कहे बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करूं, तनी जल्दी विदाई करा लो, दूरे जाए के हो। विदाई हो लगल, लेकिन विदाई का वातावरण बड़ा दुखित होला। जब बहन और बेटी विदा होली वहां का भाव कि लड़की एक बार ससुराल से कष्ट सह करके आई थी, दूसरी बार जब चलने के लिए तैयार होती है, जिके पकड़ ले बाप के मतारी के भाई के छोड़े ना, विदाई का भाव वहां पर हो। आए हैं अरे रोवे उषा भारी भारी के नजरिया छाती फाटले, अरे सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटले, सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटले, सपना होले बाबा का नगरिया छाती फाटले। और घर आया डॉक्टर उषा पर करे जुल्म अन्याय हो, अठवे दिन उषा की भाभी पति को तब पठाई हो, अरे जाके लावा बहिनी का खबर या छाती फूट ले, और जो है तू है बाबू ही मर डहरी या छाती फाट ले। डॉक्टर साहब विदा करा के ले गए, ले जाके रात में जगा जगा के लड़की के मारे और पीछे छुड़ावे चाहतुन, कुछ दौलत चाहतुन,
कोई रास्ता नहीं समझ में आवत बा, यही एक रास्ता समझ में आयल उनके और दुख देवे लगलन। इधर नैहर में उषा की भाभी 8 दिन के बाद अपने पति देवेंद्र से, उषा के बड़े भाई से कहती है कि तनी पता लगौता, एक बार बिटिया गयल तो के बड़ा दुख रहल, दूसरी बार गयल तो कुछ पतो ना चल, तनी पता लगा के आवा। बड़ा भाई जब चला पता लगाने, बाप मतारी कहे कि बेटा जात हुआ एक बात याद रखिया कि तनिकू के तकलीफ हो तो लिए बोले है, कभी दुख नजर से देखले नहीं बा, और तनिकू के दुख हुए तो लिए बोले है, 2-4 दिन यहाँ रही, 2-4 दिन वहां रही, धीरे धीरे जो सब काम ठीक हो जाये, जो हो एक रस संजोग रस तुन हो गए। लेकिन भैया बड़ा भाई चला, अरे पहुंचा है भाई देवेंद्र, तब उषा दुखड़ा गाई हो, डॉक्टर बोला कला सवेरे कर दूंगा विदाई हो, अरे खा पी कर के सोए सब वही घरिया छाती फूटने, असुख में छलक उषा का नजरिया छाती फूटने। नैहर का मामूली आदमी दिखलाई पड़ जालन तो बड़ी आशा लड़किन के हो जाले, जब भाई बाप के देख ले तब का पूछे के। बड़े भाई को देखती है तो लड़की रो रो के कहती कि भैया हमके लिए ले चला बड़ा तकलीफ बा। बड़ा भाई अपने बहनों ही डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी बहन को विदा कर दीजिए, माँ बाप बुलाही से देखने के लिए। डॉक्टर साहब कहें कि शाम हो रही है, खा पी के आराम करो, भोर में विदा करूंगा, ले आकर के चले जाना। संझा होत रह, खा पी के सब लोग अपने अपने कमरा में आराम कर लेंगे, रात भइल है। और भैया होता भाव है कि रतिया में डॉक्टर किया उषा से झगड़ावा हो। हाँ भैया बैठ जात भाऊ, एक तर्ज एक कि मोरे पीछा वाला, मोरे पीछा वाला जा मेरी आ गई प्यार, जा मेरी आ गई प्यार, अब ताही ऊपर कागा बोले बोली आ डॉक्टर साहब नित्य की भांति कमरे में पहुंच जाते हैं, रोज जो काम रहल वही काम के बदे के पहुंच गेला कमरा में, और पहुंच के लड़की के मारे शुरू केलन, वो पैर पकड़ के रोने लगती है कि मारिए मत, मेरा भाई आया है, मैं उसके साथ भोर में चले जाऊंगी, आप कह चुके हैं। कौन कह रहे जाएगी तो फिर वापिस आएगी, आज तुम्हारी ऐसी विदाई करूंगा फिर आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। और उठा के दुनलिया और लड़की के ऊपर गोली चला दे,
होए के रहाल जेकर भोरे में भी दैया हो वही के मारा ला दुई गोली आल पपिया गोली के आवाज सुन के आई ना भी राला हो आई ना भी राला अब देखा ला बहिनिया कहाली आल पपिया नींद टूट जाती गोली के आवाज पर पहुंचा कमरे के पास तो डॉक्टर साहब बंदूक लेके कमरे से निकल रहे थे और कमरे में घुसा जब कमरे में घुसा तो बहन की लाश खून से लथपथ जब देखा तो फूट फूट के रो पड़ा कि बड़ी गलती हो गई बाप मतारी कहलन कि लेवले आया और हम यहाँ रुक गई यही सबसे बड़ी भूल भइल अब कौन जवाब दे ए भैया लेकिन रो रहा है बहन की लाश के पास भाई खुनावा में चूर नारी खुनावा में चूर नारी रंगाई मूरी बहनी अब के कर कलई बहमा विदाई मूरी बहनी डॉक्टर साहब तुहरा दुनिया से विदाई हो घरवा जो है तुम्हें तुहके हमारे बाबू माई हो अरे हम के भैया कहा के बुलाई मूरी बुहनी राखी बादी के हमारे कलाई मोरी बहिनी 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 परिवार में कई बेटी थी चार भाई के बीच एक बहन थी अरे मूर्छित हो देवेंद्र गिरा तब डॉक्टर के घर वाले अरे उठा के घर में रखे उसे ऊपर से ताला डाले सबेरा फिर से जीवन में होई कोमल कली बनूटे पापी बल लूटेरा लड़का बेहोश हो जाता अपनी बहन का सदमा नहीं सह सका और बेहोशी की हालत में डॉक्टर साहब लड़के को उठाकर कमरे में रख के ताला बंद कर देते हैं और लड़की के साथ क्या व्यवहार करते हैं मरने के पश्चात लेकिन गाने का भाव है चार लाइन समझौता हो कि समाज के ठेकेदारों का कब तक ये कानून चलेगा दहेज काल बहु बेटियों का नाजायज खून बहेगा इस दहेज की बलिवेदी पर कितनी ललनाएं मरती हैं, कितनी राधाएं डूब मरी कितनी सीताएं जलती हैं। मैं कहता हूँ ये हिंसावादी झूठे रीति रिवाज बदल दो जो न करे जीवन की रक्षा वो बेशरम समाज बदल दो कहना हो कि जिस दहेज के लिए मांग मंगवा के लिए रुपए के लिए आए दिन बेटी को जान देना पड़ता है कोई डूब के मरती है कोई जल के मरती है कोई फांसी लगाती है तो भैया किसी को जबरन रोज पेपर में खबर निकलती है किसी को जबरन रुपए के लिए मारा गया तो ये रिवाज ठीक नहीं भैया बात आ गई सामने
कि आखिरी प्रमाण आया हमें व्यवहार लड़की के साथ क्या हुआ मरने के पश्चात आए अरा जाऊ ने हाथ मांगिया में सनुरा सजा वाला है और वही हाथ मारा पापी दूल्हे का जावा सोला की हाथ फेल भैरा दूल्हे का अरथी सजावा हुए लागल बिहार अधरवा का खून सब अरे खुनावा से भेजल कुल उषा का कपड़ा नीचवा का फनावा के रखा बेईमान खून सब धोई के साफ कैले ए भैया लसिया को लेके जब चले लड़की का अर्थी सजा के ठीक करते हैं कि ले चलो फूंक दो पता नहीं चलेगा कफन के नीचे जो खून का कपड़ा रख तुम कफन के नीचे रख के बांधना घर का खून धो के साफ कर लेना लाश लेके घर से निकलना है वहां का भाव अरे बहिनी का विदाई पापी करे दुनिया से बिरना बेहोश बंद घर दारा में चौकीदार देखा है कफनवा पर खून का निशान दाल में बस काला जाके कहले धारा लसिया को फूक दिए आए सभी घरवा मगन मन हो गए उधर मूर्छा टूटी है देवेंद्र की सुजान पीटी पीटी का बरारो पागल बिराला अरे कहे के जला दिए लसिया नादान जहरू चौकीदार मंगलोर थाने का कफन पे खून का निशान देखा जाके थाने में खबर किया सुबह डॉक्टर घर से लाश निकली कफन पे खून का निशान था कुछ दाल में काला नजर आ रहा है इंक्वायरी किया जाए जब तक से इंक्वायरी करने वाले आवे कुछ देर हो गई उतनी देर में ले जाकर के सब देर होने का फायदा उठा लिए क्रिया के लाश को फूंक के घर चले आए ताला खुलन की देखा थे ओकर भाई मरल की बचल ताला खुलन तो के होश आगे ले लड़का के छटपटात रख कहा कि मेरी बहन कहाँ है सब कहते तेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया कहा कि ऐसा क्योंकि हमें लाश ही दे दी होती तो अपने माँ बाप को अंतिम बार उसका चेहरा मैं दिखला देता डॉक्टर साहब कहते कि ज्यादा जवान मत चलाओ लड़के बात मेरी गौर से सुन लो जो हुआ सो हुआ आगे क्या करना है कि बोले डॉक्टर साहब तब तब बन के बजाइए हाथ फेल देना तू भी अपना वाली गोली डर गए देवेंद्र ले ली हमले तरह का ब्रह्म दत्त डॉक्टर साहब कहते कि लड़के मेरे घर कोई सिपाही दरोगा इंक्वायरी में आवे तो यही कहना कि मेरी बहन का हाथ फेल हो गया अगर दूसरी बात कहोगे जैसी गोली तेरी बहन को मारा हूँ ऐसी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा दरोगा ब्रह्म दत्त डॉक्टर साहब कहते कि लड़के मेरे घर कोई सिपाही दरोगा इंक्वायरी में आवे तो यही कहना कि मेरी बहन का हाथ फेल हो गया अगर दूसरी बात कहोगे जैसी गोली तेरी बहन को मारा हूँ ऐसी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा बात अगर सामने किया दरोगा जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप घर से कोई लाश निकली है डॉक्टर साहब कहे मेरी दुल्हन थी उसी का हाथ फेल हो गया अभी तो हम उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं दरोगा जी देख रहे हैं सब लोगों के चेहरे को देखते देखते लड़के को पर नजर जाती कहते हैं कि ये लड़का आप लोगों से कुछ ज्यादा रो रहा है ये कौन है तो ये दुल्हन का भाई है कल ही आया है अरे भैया दरोगा जी पूछते बोलो बेटा जो ये लोग कहते ठीक है
कहा जो कहते हैं सब ठीक है, वो भी कुछ नहीं बतला पाया, दुख में बोल नहीं पाया। और भैया दरोगा जी इतना ही लिख के चल देते हैं, चल देते हैं। इधर लड़के को सब कमरे में फिर बंद कर दिए, तो कमरे में छटपटा रहा है कि मेरी बहन का खून मेरे सामने हुआ और मैं कुछ कर नहीं पाया, रोता है आखिर प्रमाण है। पहुंचे थाने में, फिर से रिपोर्ट लिखाया गया और फिर से इंक्वायरी में दरोगा जी निकलते हैं, जाके कहते हैं डॉक्टर साहब आप घर की इंक्वायरी हो गई, लेकिन जरा उस जगह दिखला सकते हैं जहां लड़की को जलाए हैं। कहते चलिए दिखला दूं, वहां क्या है, सब कुछ तो राख हो गया। ए भैया दंग बनाते हुए निकलते हैं, आगे आगे डॉक्टर साहब, उनके पीछे दरोगा जी, उनके पीछे देवेंद्र उनका पिता, और के पीछे दो चार आसपास के और आदमी लोग चलते हैं। जब पहुंचते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं यही वो जगह है जहां मेरी दुल्हन जलाई गई। दरोगा जी कहते थोड़ा पीछे हट जाइए, मैं देख लेता हूं जगह को। देखिए ये इंसाफ है ऊपर वाले का, अपनी तरफ से सब कुछ मिटा दिए लेकिन चोरी हत्या पाप छिपता नहीं। दरोगा जी चिता की राखी अपने हाथ हटाए, अरे चार छर्रे गोली का हड्डी में जब पाए था, साबित भय कतल समय बहिन तुहके। दरोगा जी अपने हाथ से राखी चिता की हटाते हैं, अरे राखी हटाते हैं तो जिस हड्डी में गोली के चार छर्रे लगे थे वो हड्डी उभर के ऊपर आती है, यानी सब कुछ जल गया लेकिन असल गवाही देने वाली जो चीज थी बची रह गई। ये मालिक का इंसाफ है, कौन बचाया उसे, उसी ने बचाया, ऊपर वाले ने बचाया, क्यों नहीं जली, सब कुछ जल गया था लेकिन वो पड़ी रह गई उसी में। दरोगा जी उठा लेते हैं, आपके बंदूक से चलाई हुई गोली के छर्रे हैं, तब ते कुबर बोलत नहीं हान नहीं लगे हर और ताकत, तब तक से पुलिस के जवान दरोगा जी को समझ के देर नहीं लगी, खींच के थप्पड़ डाल मारे, एक थप्पड़ में सब बात कबूल कर लेते हैं, जब कबूल कर लें तब अरे और भी छर्रे गोली के, जब दारोगा चितलाए पिता साथ में दौड़कर फिर बंदूक के सहित पकड़ाए, पापी गई रे जेहल खनवा पर।